फ्रेंड्स मैं घर से निकली थी एंड व्हाट अ लक टुडे, ना कैब ना ऑटो नथिंग. So I thought let me just walk after a long time, so many years. I thought I'll just walk. मैं आई कहाँ हूँ थोड़ी देर में बताती हूँ, फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ थोड़ी देर में आपको. So friends, जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया है. घर पहुंचती हूँ एंड आई एम गोइंग टू वॉक अगेन बिकॉज मुझे इतना मज़ा आया ना आज वॉक करके इतना टाइम बाद. तो चलो सारी कहानी घर जाके बताती हूँ, पहले लेट मी जस्ट रीच होम. तो अबाउट टू रीच होम. बस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. जस्ट दैट अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं वॉक करने वाली हूँ तो मैं शायद एक अम्ब्रेला या दुपट्टा ले लेती. सो जस्ट दैट क्योंकि धूप बहुत तेज़ है. इट्स लाइक 3 o'clock राइट नाउ एंड धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी. चलो पहले गणपति पप्पा का आशीर्वाद ले लेते हैं बिकॉज जो मैं करने वाली हूँ ना आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट बट स्टिल आई विल डू इट. सो पप्पा जय जय. और वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये देखो यहाँ पे सामने हर साल का ये खेत जला रहे हैं. नई खेती होगी ना, गलती उनकी भी नहीं है. आई डोंट नो हूम टू ब्लेम बट वैसे ही गर्मी है, पोल्यूशन है, ऊपर से पूरी राख हवा हमारे साइड है ना, पूरी राख हमारे घर में अभी आएगी. सारे दरवाजे वैसे बंद कर दिए हमने. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day wash away the pain. Love funny moments. तो मुझे पता नहीं था कि मेरा बर्थडे थीम क्या रखूंगी मैं, तो मैंने ये चिट्स बनाए और इसमें मैंने रखा है माय लिटिल पोनी, FNF अगर आपको पता रहेगा, और या फिर एनकैंटो. तो लेट्स सी मेरा बर्थडे थीम क्या रहेगा. तो मैंने मेरा आज बंद किया हुआ है, मुझे खोलना होगा क्योंकि मुझे कैमरा को इस साइड करना होगा नीचे. बूचूम अरे और नीचे नहीं हो सकता. अच्छा हाँ 1 minute. सी मैंने आंखें बंद किए हुए अपने. अरे यार दिख नहीं रहा है, चलो रहने दो. मैंने आंखें बंद किया हुआ है. हम इसको 30 seconds के लिए शेक करते रहेंगे. ओके तो मुझे मेरा चिट मिल गया, वो वापस से कर लेते एक बार. My little pony. Let's do it again. Encanto. Yay! तो अभी आए हैं जो दाल ना, इनका मैंने आपको ग्रोसरी हॉल भी नहीं दिखाया ना. मुझे वही लगता है कि एक्चुअली ना बिल्कुल सेम सामान तो मंगाती हूँ हर बार. क्या दिखाऊँ, आप लोग बोर हो जाओगे. सो बताना पक्का मुझे कि हर महीने दिखाऊं कि आपको ग्रोसरी या फिर यू नो एक आध महीने छोड़ के दिखाऊं. तो वही सेम प्रोडक्ट तो मैं लेती हूँ हर बार. सो वही है ग्रोसरी अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया था मैंने, वो डब्बे में ही पड़ा हुआ है. मैं सोचा जब खत्म होगा ना वैसे वैसे ही डाल लूँगी तो ज़्यादा काम नहीं आएगा, धीरे धीरे होता रहेगा. सो वही करते हैं अभी. हेलो how'd you do I'm not broken I'm just split in two hope you're fine Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your. दाल सेट हो गए और यहाँ पे दाल निकाल भी लिया है. तो आज मिक्स दाल बनाऊंगी. वही 4-5 तरह के दाल ले लिए हैं और आपको मेरे मिक्स दाल की रेसिपी पता ही है. बहुत बार शेयर किया है मैंने. कल आपको दिखाया था ना पूरा सामने उन्होंने जला दिया था. फिर आपको किसी ने तो शायद फायर ब्रिगेड बुलाया. फिर फायर ब्रिगेड ने आके फिर पूरी आग बुझाई. वो देख रहे हो वहाँ पे ब्लैक पूरा इधर पूरा. सो फायर ब्रिगेड ने आके पूरा बुझाया, पूरा हरा और पीछे ब्लैक. अब वहाँ पे खेती करते हैं ना, बड़ी बादल जैसे एकदम. हाँ खेती करते हैं ना एक्चुअली. तो पहले जलाते हैं क्रॉप्स को, उसके बाद फिर नए क्रॉप्स लगाते हैं. यहाँ है सुभाष के क्रिकेट के कपड़े. सुभाष का फिक्स हो गया है संडे मतलब क्रिकेट. ये देखो पूरे राख कपड़ों में. me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, इसको मैं एज अ ब्लैंकेट यूज करती हूँ, एज अ बेडशीट यूज करती हूँ, और डबल साइडेड है ना। सो ये देखो ऐसा है, अंदर भी इसका इतना सूदिंग सा बिल्कुल प्रिंट है। सो इसके जब भी मुझे वो आते हैं ना कि दीदी इसका रिव्यू तो दी, ये एक मतलब बहुत ही बेस्ट परचेज है। थोड़ा सा महंगा, आई थिंक 2000 का था। इसके बेडशीट्स आते हैं 1100 के, बट देन दिस वाज अ कंफर्टर। सो ये 2000 समथिंग का पड़ा था, बट दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। बिल्कुल वो सॉफ्ट, वो जो बच्चों के लिए, जो बच्चे छोटे होते हैं बेबीज उनके लिए कैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल नरम नरम बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली वैसा है। परफेक्ट फॉर परफेक्ट फॉर समर। आपका बिल्कुल यू नो कंफर्टर जो होता है एसी के लिए, या फिर नॉर्मल अभी जैसी गर्मी हो रही है, हल्की सी रात को ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता है। सो वो है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना एक और ब्लू कलर का भी प्रिंट है, वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो जब भी स्टॉक में आएगा तो डेफिनेटली मैं वो भी ऑर्डर करने वाली हूँ। अमेजॉन से था, मैं लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इनकेस आप भी कुछ ऐसा देख रहे हो ना, सो डेफिनेटली आप देख सकते हो। और दूसरा इस बेडशीट के लिए भी आता है, तो बेडशीट मैंने वेस्ट साइड से लिया था, तो इसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है। ये भी बहुत अच्छा है, वेस्ट साइड के बेडशीट्स काफ़ी अच्छे निकले, तो मैं सोचूँ नेक्स्ट टाइम भी जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी। अच्छा, मेरा बेड बहुत बड़ा है, किंग साइज से भी थोड़ा सा बड़ा है। सो बेडशीट जनरली ना मुझे बहुत देख के लेनी पड़ती है, इतने अच्छे अच्छे प्रिंट्स वाले बेडशीट्स होते हैं, लेकिन साइज़ नहीं मिलता है। बट वेस्ट साइड में आई गॉट दिस साइज़, तो मैं एक बार लेके आई चेक करने के लिए, अगर साइज़ ठीक है तो मैं और लूँगी। सो अभी ये साइज़ ठीक है तो मैं और लेके आऊँगी। और एक क्वेश्चन इसको लेके कि इसको मैं वॉश कैसे करती हूँ, बिकॉज ये तो रिमूव हो जाते हैं, इसके अंदर अलग से कवर है, इसके अंदर जिप है, तो निकाल के साफ़ हो जाता है। इसको कैसे साफ़ करती हूँ, तो इसको सिर्फ सर्फ जो वाटर पानी होता है ना उसमें डिप करके रख दो, और उसके बाद निकाल के एक बार आपका जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है ना जैसे उसमें चला दो हल्के से, बिल्कुल हाँ 1 सेकेंड के लिए चला के, और इमीडिएटली ड्रायर बंद कर दो और सुखा दो, तो वैसे ये साफ़ हो जाता है। तो ये टेबल और चेयर तो हमारा बन गया है, बेसिकली स्टोरेज ही हो गया है। अभी ऑफिस वगैरह सब खुल गया है ना, तो कहाँ यूज़ होता है, और ऊपर से ये बेडरूम में है ना तो यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि सब हम लोग ड्राइंग रूम में ही ज़्यादा रहते हैं। तो सुभाष कभी कभी मन करता है, कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं तब यहाँ पे आते हैं, वरना ऐसे ही रखा है। देखो अदरक ख़त्म हो गया था, तो ये अदरक मंगा लिए। एक्चुअली ये ना बिग बीबी डेली से मंगाती हूँ मैं ना, वहाँ पर ऑर्गेनिक मिलता है, बस यही है। और एक बार मैं ना इतना सारा मंगा लिया कि अभी आराम से चलेगा एक हफ्ता। तो उसको वॉश कर लूँगी और वही छोड़ दूंगी ना, थोड़ी देर ड्राई हो जाएगा, फिर फ्रिज में स्टोर करूँगी। लाइट ने तो इतना परेशान कर दिया है ना, सच्ची समर है और लाइट भी इतनी ज़्यादा जा रही है। चलो एनीवेज तो यहाँ पे चढ़ा देते हैं दाल। साइड बाई साइड ना थोड़ा टमाटर की चटनी भी चढ़ा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर लिया है लाल मिर्च, मस्टर्ड सीड, जीरा और हींग। सो उसको थोड़ा सा हम स्प्लटर होने देंगे, जो मस्टर्ड सीड है ना उसको, लहसुन, अदरक थोड़ा सा। अदरक को ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा ही डालेंगे। तो इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटर, तो छोटा टमाटर है इसीलिए मैंने यहाँ पे 4-5 के करीब लिया है, और उनको थोड़ा ना लंबा लंबा करके डाइस कर लिया है। थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक। थोड़ा नमक और मीठा ना इसमें ज़्यादा लगता है, तो बाद में टेस्ट के हिसाब से डालूंगी, अभी ऐसे ही डाल दिया है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है ना, बस थोड़ी देर और कुक होने देंगे। बहुत ज़्यादा ना इसको हम ऐसे मैश नहीं करेंगे, तो थोड़े पीसेस अच्छे लगते हैं मुंह में। और डाल देंगे पानी और उबलने देंगे। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा ना थिक हो गया है पानी। अगर आपको मोटे मोटे टमाटर पसंद है ना, आप छोटे छोटे काट के भी डाल सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। सो टमाटर जब अच्छे से कुक हो जाएंगे फिर हम डालेंगे मीठा, क्योंकि अगर मीठा डाल देना फिर टमाटर और ज़्यादा कुक नहीं होते। उसमें डाल रही हूँ मैं, मीठे में आप चीनी डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, खजूर डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ गुड़। अब इसको उबलने देंगे, कुक होने देंगे। जैसे आपको कंसिस्टेंसी पसंद है, मोटी या पतली, तो थिक चाहिए तो आप इसको ज़्यादा उबाल सकते हो, थिन चाहिए तो आप 2 मिनट उबाल के इसको निकाल सकते हो। और टेस्ट तो फिर आपको करके देखना पड़ेगा, नमक और मीठा थोड़ा ज़्यादा लगता है, सो आप उस हिसाब से टेस्ट करके देख सकते हो। तो हल्का सा उसमें डाल रही हूँ गर्म मसाला और धनिया पाउडर। तो मैं इसको बंद कर दूँगी क्योंकि मुझे इस तरह की ग्रेवी चाहिए। सो दिस इज डन। I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's you, now it's you. So कोविड के बाद से एक काम एक्स्ट्रा हो गया हमारा, है ना अनन्या। अनन्या के बर्थडे गिफ्ट नहीं, अनन्या के फ्रेंड्स के बर्थडे गिफ्ट रैप करना है, इसलिए मैंने ये देखो इतना सारा ना पूरा एक वो मंगा के रखा है, पूरा रैपिंग का पेपर। जब जिसका बर्थडे है गिफ्ट रैप करो और दो। हर हफ्ते एक या दो बर्थडे, हर हफ्ते एक या दो बर्थडे है अनन्या। 23rd को भी एक फ्रेंड का बर्थडे हां, फिर 27 को भी किसी का है ना। तो चलो चूज करो कौन सा कलर चाहिए। अभी आज बॉय का है तो ब्लू चूज करेंगे, गोल्डन रेड क्योंकि उसको ऑलवेज लगती रहती है। नहीं ऐसा नहीं, ब्लू कर दो या ब्लू ब्लू। तो वैसे हमारा लंच हो गया है, तो लंच के बाद हम बैठेंगे गिफ्ट रैप करने। मैंने बनाई कार्ड वार्ड है ना। और थोड़ी देर पहले पापा को क्या बोल रही थी कि हम लोग ना वो डिवाइड करते हैं, काम डिवाइड करते हैं। आप कैसे? एक दिन अनन्या डस्टिंग करेगी, पहले मैं एग्जांपल आज मैंने ये पूरा टेबल वगैरह साफ किया, सब काम किया। मतलब अच्छा वैक्यूम क्लीनर वगैरह मजा आता ही नहीं है, वैक्यूम क्लीनर बहुत हैवी है। तो जब मैंने आज टेबल को साफ किया वगैरह वगैरह वगैरह, थोड़ा जल्दी बोलो ना, तो कल पापा करेंगे, फिर उसके बाद मम्मा करेगी। उसने डिवाइड कर दिया है, एक दिन वो करेगी और एक दिन वो करेगी। में क्या किया? सब टेबल साफ किया और बाकी टीवी स्टैंड और ये चूरा वो जो तुम अपने रूम में कचरा फैलाती हो वो सब पर क्या? हाँ वो सब आप दोनों। हाँ सी डिवाइड कर, वो सब हम कर रहे हैं। सब टेबल साफ करके दिखा देंगे क्या इन्होंने काम किया। ऐसा चलो सीधा सीधर है से बाल नहीं बनवाती आजकल, पापा से बनवाती है ना। अब करो, क्यों हंसो 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 हंसो, पापा बहुत अच्छा करते हैं ना, क्यों? अब बताओ किससे करवाओगी, किससे बनवाओगी बाल, किससे बनवाओगी अनन्या? बनवाएगी कि नहीं बनवाएगी मम्मा से? कौन बेटर करता है ना, क्या बोल ऑन कैमरा, कौन बेटर करता है बोल? कोई भी नहीं करता ऐसा। तो सुभाष और अनन्या देख रहे हैं टीवी। और अनन्या का जब से वो स्नेक वाला उसने देखना स्टार्ट किया है ना, कुछ SOS स्नेक करके है, गोवा के दिखाते हैं वो कि कैसे मतलब स्नेक के कॉल्स आते हैं और कैसे वो रेस्क्यू करते हैं स्नेक्स वगैरह को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स कौन से होते हैं आपके, पॉइजनस वगैरह वगैरह। सो वही उसी में अनन्या को इंटरेस्ट आ रहा है, अभी भी बैठ के वही देख रही है वो। सो मैं तो सोने जा रही हूँ और मैं कल का पूरा जो कहाँ गई थी, मैं क्या गई थी वो मैं बताना ही भूल गई। सो कल था संडे, आज है मंडे। सो आई डोंट नो मैंने मेंशन किया है कि नहीं किया है व्लॉग में। सो पहले तो मैं वेलकम करना भी शायद भूल गई होंगी, कल मैं फटाफट निकली उन सब में। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आई नो मिड में जाके बोल रही हूँ बट वेलकम बैक माई लवली MV फैमिली। सो मैं कल कहाँ गई थी, आई थिंक गेस कर लिया होगा। नहीं अगर गेस कर लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, चीटिंग नहीं करना, सुन के उसके बाद मत लिखना। सो पहले ही बता देना मुझे। सो बेसिकली मैं गई थी ड्राइविंग क्लास लेने के लिए, कल रजिस्टर करने के लिए। मुझे जाना था सैटरडे को जाना था शाम को। तो सुभाष ने बोला कि चल मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा। तो सुभाष का वेट करने के चक्कर में ना उनका 7 o'clock के अराउंड कुछ तो बंद हो जाता है, तो मैं जा नहीं पाई। अगले दिन भी, उस दिन मैंने कैब वगैरह भी बुक करी तो कैब मिली नहीं। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है ना पुणे में, आई डोंट नो डिफरेंट सिटीज का सेम है क्या। प्राइस तो छोड़ो एक बात है, कैब ऑटो मिलती ही नहीं है। मतलब वो लेते हैं आपका पिक उसके बाद फिर कैंसिल कर देते हैं। ऐसे 2-3 बार हुआ मेरे साथ सैटरडे को। फिर संडे को मैंने सोचा चलो लंच के बाद मैं फ्री हूँ, सुभाष थे नहीं, मैं कहा मैं कैब वगैरह बुक करके देखते हैं अगर मिल जाता है तो। वही सेम चीज, ऑटो ट्राई किया, कैब ट्राई किया, ओला उबर, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है 2 दिन से। मतलब वीकेंड है पर वीकेंड में पहले तो हमको आराम से मिल जाती थी, नो आइडिया मुझे मिला नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मुझे वॉक करके जाती हूँ मैं। तो थोड़ा सा आगे जाकर ना हमारे एक कॉम्प्लेक्स है, वहां पर जनरली काफी सारे ऑटोज खड़े होते हैं। मैं वहां पे गई तो एक ऑटो वाले भैया थे, तो मैंने उनको बोला भैया आप चलोगे क्या? अभी मना कर दिया उसने, बोला कि मतलब नहीं मैम आप आगे देख लो, आगे और ऑटो है उनसे पूछो। सो आगे के 2 ऑटो वाले ने और मना कर दिया। मैंने कहा कि यार ये तो हद ही होगी। मैंने खोला गूगल मैप पे मैंने डायरेक्शन डाला, लोकेशन डाला, तो वो दिखा रहा था कुछ 20 मिनट्स का दिखा रहा था। और वो भी मतलब ऐसे घुमा घुमा के होता है ना, जैसे आप यू लेके आते हो, अगर वॉक करके जाएंगे तो और पास पड़ जाएगा। और आपको पता है वॉक अलॉट, मतलब 1-1.5 घंटा तो मैं रोज का वॉक कर ही लेती हूँ। तो मुझे वॉकिंग कट था कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 30 मिनट्स का ही वॉक होगा, चलो वॉक करके देखते हैं। और कॉलेज के टाइम पे, उस टाइम पे तो इतना हमने वॉक किया है, धूप धूल सब में इतना वॉक किया है, तो वॉकिंग से ऐसा कुछ डर नहीं था। मैंने चलो मैप ऑन किया, मैप लगाया, वॉक करके ही जाएंगे। बस ये था कि धूप बहुत ज्यादा थी, पता होता ना तो थोड़ा, वही जैसे मैंने बोला दुपट्टा वगैरह कुछ ले लेती या फिर अम्ब्रेला ले लेती तो ज्यादा इजी रहता। बट एनीवेज सो वॉक करके पहुंच गई मैं, कितना 15-20 मिनट्स लगे एंड आई रीच्ड एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब इतने टाइम बाद मैं मतलब ऐसा, क्योंकि यूज टू हो गया ना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के, कैब के, कि ऐसा वॉक करके कहीं निकल जाए ऐसा होता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार इतना अच्छा फील हुआ ना, मैं वॉक करके फाइनली वहां पहुंचे। मैंने कहा चलो यार मतलब, और ये भी अच्छा हुआ कि वॉक करके गई तो मैंने देखा डिस्टेंस इतना है ही नहीं। तो अब रोज रोज कैब करना, ऑटो करना है, सुभाष को बोला मुझे ड्रॉप करो, अब किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। अब मैं रोज वॉक करके जा सकती हूँ और वॉक करके आ सकती हूँ। सो यही फायदा हुआ ना, पहला स्टेप अगर आप लो ना बाकी चीजें फॉल करती रहती है। सो वॉक करने का मेरा हो गया सॉर्टेड, रोज का मैं आराम से जा सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा मैं अगर अगर नहीं जाती ना तो एक्चुअली क्या हुआ, वहां मैं जब रिव्यूज देख रही थी ना ड्राइविंग स्कूल का, वहां पे एक टीचर है जो अच्छे हैं, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। सो मैं इसी बंदी से बात कर रही थी तो मैंने बोला कि ये उनका नाम लेके कि ये वाले सर है क्या यहाँ पे, तो वो साइड में वही बंदा खड़ा था, तो उसने बोला मैं ही हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा तो आप लेते हैं क्लासेस वगैरह, तो मुझे मॉर्निंग का क्लास चाहिए था लेकिन मॉर्निंग का उनके पास था ही नहीं, उनके पास इवनिंग का था, मॉर्निंग का 10 डेज के बाद का वेटिंग था। मैंने कहा चलो इवनिंग में ही दे दो, और लकीली ऐसा हुआ कि वो जिनका मैं चाहती थी कि ये मुझे सिखाए वो मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं है, वो इवनिंग में ही अवेलेबल है। सो लकीली अच्छा है कि मैंने गई, वॉक करके छोड़ा नहीं, मैं वापस घर नहीं आई, मैं गई, सब कुछ सॉर्ट हो गया। सो आज से मेरी ड्राइविंग क्लास स्टार्ट है, 21 डेज का मैंने लिया है कोर्स वगैरह, तो आगे चल के वीडियो ब्लॉग में मैं डिटेल्स वगैरह बताती रहूंगी आपको, रिव्यूज वगैरह भी बता दूंगी। एक बार लेट मी जस्ट टेक द क्लासेस इनकेस आप पुणे में हो ना, सो इट विल बी हेल्पफुल। सो यस, तो ये है। और मैं इतना डरती क्यों हूँ ड्राइविंग से, बिकॉज बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं साइकिल लेके एक बार जा रही थी और मैं ना बच्चों के बीच में घुसा दिया। वाज इन 7th या 8th स्टैंडर्ड, उनके पेरेंट्स उनको लेके जा रहे थे, मैं बच्चों के बीच में साइकिल घुसा दिया। तो मुझे एक खौफ बैठ जाता है ना ड्राइविंग का, तो वो मेरे दिल में बहुत ज्यादा है, तो मतलब मेरे हाथ फूलते हैं अगर मैं ड्राइविंग के बारे में सोचती हूँ। सो आई एम लिटरली वेरी स्कैर्ड, बट इसीलिए ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए ड्राइविंग सीखना, क्योंकि मेरे को अपने डर, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो मुझे वो जीत फील करना है। सो यस ये है। तो ये वाला पार्ट बहुत लंबा हो गया है, तो चलो मैं सोऊंगी, उसके बाद फिर उठ के फिर ड्राइविंग क्लास जाऊंगी। सो या आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो आई रियली होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा, किया है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। सो सी यू अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।